नहीं, आप मेरे महबूब नहीं हैं, लेकिन आप लोग मेरे फेवरेट ऑडियंसेस हैं और हमारे साथ हमें कंपनी देते हैं। वेलकम टू चाय टाइम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी 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 हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं हूँ ज़ायला सरदी और ऑफ कोर्स मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है? हमारी वैलेंटाइन। नाइस। मैं हूँ सनिया हसन और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज है मोहब्बत का दिन और आज सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे हर दिन मोहब्बत का दिन होता है, हमारा तो ये पैगाम है मोहब्बत कीजिए जहाँ तक हो सके, जिससे हो सके। ज़रूरी नहीं है अपने बॉयफ्रेंड्स को करें, आप किसी को भी कर सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड्स को ज़रूरी नहीं करें, बट आपके भाई बहन, आपके मॉम डैड, आपके हस्बैंड, एनीवन दैट यू लव द मोस्ट, आप उनको जाकर एक्सप्रेस कीजिए जितना कर सकते हैं, और बल्कि हर दिन एक्सप्रेस किया कीजिए, एक दिन को मुख्तस मत कीजिए। और वैलेंटाइन डे लेकिन खासतौर पर मनाया जाता है, लिहाजा जिसको हम जो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, खुश रहिए और बहुत सारी खुशियां बांटिए। और ज़ायला मेरी तरफ से आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू सनिया। और एक और चीज़ नाजिन, हम कल से ये वर्ड बोल रहे हैं, शब्द हम लोग आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। शब्द से मुझे याद है, मैं हिंदू वर्ड बोल रही हूँ। एक चीज़ जल्दी से बता दूँ बिफोर वी गो टू वैलेंटाइंस डे, क्या मैच था जी, ट्राइंगुलर सीरीज इंडिया एंड श्रीलंका का मैच हो रहा था। मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा देखते हुए आई थी और माई फ्रेंड वॉज टेक्सटिंग मी हर बॉल पे, और सलाम है जी MS धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी वाकई कैप्टन है। और सनिया, दो बॉल्स थी आखिर में और चार रन चाहिए थे, एक पे रन आउट हो गया तो फिर उनकी एक बॉल और चार रन रह गए और धोनी ने जी 3 रन बनाकर टाई कर दिया मैच को। क्या बात है जी, इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले परसों आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से 3 बॉल्स रह गई थी और मैच जीता था। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, बट क्रिकेट की न्यूज़ थी एंड फैंटास्टिक मैच था। और ऐसा पाकिस्तान इंडिया का होना चाहिए, पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह। और आफ्टर विनिंग इंग्लैंड के साथ अभी हमारा मैच चल रहा है इंग्लैंड के साथ दोबारा, और इसको भी जिक्र करें ना पहला, फिर हम नहीं आज के मैच बता रही थी। एनीवे मैं कल का बता रही थी आप लोगों को, सनिया और मुझे बहुत मजा आया लाइव सेंसेशन से, हम लोगों ने लाइव आप लोगों के साथ किया, इतने सारे लोग हमें वहाँ मिले, हमने बहुत सारे लोगों को वैलेंटाइन के गिफ्ट्स भी दिए, हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज से भी मिले, हम लोगों को गिफ्ट मिल गए थे एंड में सनिया मुझे। मगर आप लोगों का हमने दिन बहुत अच्छा किया, प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दें। और कल जिन लोगों को हमने कहा था कि आप लोगों के पास कोई रिटन मैसेजेस हैं, कोई ऐसे मैसेजेस हैं जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने आज तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करी, कोई बात नहीं, चाय टाइम है ना, कॉल अस एंड जो भी आप लव मैसेज देना चाहते हैं। लव कैंडल्स यहाँ नहीं है सनिया, लव कैंडल्स नहीं, बट वी हैव लव बलून्स हियर। अगर आप जब आप पूरी स्क्रीन देखेंगे तो आपको यहाँ पे बलून्स और सनिया मैं आपसे भी एक मैसेज दिलवाऊंगी, बहुत हो गया और सफेद कलर के। और ये कि आप आज हमें कॉल करें और जिसको भी मैसेज देना दे सकते हैं। मजेदार बात ये है कि कल भी हम सेंसेशन गिफ्ट बांटे थे, आज भी सेंसेशन की तरफ से आप गिफ्ट हम पर जी सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस अप और अपना कोई भी मैसेज, प्यारा सा मैसेज होना चाहिए, बहुत मज़ेदार सा, अच्छा सा, ऐसा मैसेज जो हमने कभी ना सुना हो, ऐसा मैसेज दीदी चाहे वो मुझे देना चाहें, ज़ायला को देना चाहें, या आप मेरे किसी भी लव वन को देना चाहें, आप दे सकते हैं और सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हम पर जी सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज हमने सोचा कि मोहब्बत की बातें करनी है, तो पहले मैं गेस्ट का तारुफ करा देती हूँ फिर ज़ायला करा। अच्छा मेरे पास, हाँ गेस्ट के तारुफ से पहले हम एक कॉल, हमें कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब ले लें आप एक कॉल बिफोर दैट, और कॉल के बाद मैं आप लोगों को वैलेंटाइंस डे के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी, है क्या चीज़ जो हम इतना उछल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, एक सेकेंड, हैप्पी वैलेंटाइंस टू यू टू, एक सेकेंड होल्ड करेगा, मैं अपना स्पीकर फिक्स करवा लूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडियो में भी आवाज़ आए। सो एक सेकेंड सिर्फ आप होल्ड करें एंड आई लेट यू नो कि आप कब बोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई थिंक अब आप बोल सकती हैं। अस्सलाम ज़ाले और सनिया, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन टू यू टू, कैसी हैं आप? बहुत फर्स्ट क्लास, मजे में, मोहब्बत भरा दिन है, मोहब्बत मना रहे हैं। क्या कहेंगी आप, मनाते रहेंगे, क्या कहेंगी, क्या कहेंगी इस हवाले से, इस दिन के हवाले से? मोहब्बत एक इबादत है और इबादत को जितने प्यार खलूस से आप करेंगे उसमें उतने ही निगार आएगा, उतनी ही हमारी दुआएं तमन्नाएं पूरी होंगी। बहुत बहुत आज के दिन हमें चाहिए कि हम अपने प्यारों से तो प्यार करते हैं, कभी उनसे भी करें से हम नफरत करते हैं। ओके, तो मुश्किल काम है नहीं थोड़ा सा? यौम तजदीद अहद वफा, मोहब्बत का दिन है आज, तो हमें अपनी मोहब्बतें बांटना चाहिए सबके लिए। कितनी अच्छी बात आपने कही, और गवर्नमेंट से और इंडिया से मोहब्बत करें। हमारे अपने चाहने वाले बहुत हैं। हाँ हाँ, नहीं वही तो कह रही हूँ, आपने कहा था जिनसे नफरत होती है लोगों को, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, हम बिल्कुल नहीं पूछते, बल्कि हमें उन लोगों से मोहब्बत करना चाहिए जो मोहब्बत के मतलाशी हैं या भूखे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मैं गाना गा के सुना, प्लीज गाना, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो गा ले।
एक लाइन जीते रहे, खुश रहे, सारे दिल को मनाएं। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और गाना तो हम नाजिन सुनेंगे। एक और अच्छी बात करी जायला ने कि हम गाना भी सुन सकते हैं, कोई अच्छा सा गाना गाएगा उसको सेंसेशन गिफ्ट यहाँ पर मिलेगा और हमारी बहुत सारी तालियां और दुआएं मिलेंगी। लेकिन आज हमने किसी की, मैंने कहा कि अब मैं बता दूँ, तारुफ करा दूँ। हाँ, तारुफ करा दे, मैं ब्रेक के बाद वैलेंटाइन डे का बता दूँ। ठीक है। अच्छा नाजिन, आज हम बात करने वाले मोहब्बत के हवाले से, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अच्छा हर कैटेगरी के लोग होते हैं, वो जो मियाँ बीवी होते हैं, वो जो साथ नहीं रह रहे होते, एक वो होते हैं जो लड़कियाँ ढूंढ रहे होते हैं, लड़के ढूंढ रहे होते हैं, या वो होते हैं जो बिल्कुल जिनका कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हम और शेर व शायरी जो है वो मैं कन्फ्यूजन दूर करूँ नहीं, शेर व शायरी जो है वो मोहब्बत से लिंक्ड रहती है। जब भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब कोई बात दिल की कहना चाह रहे होते हैं तो वो शायरी की ज़बान में उसे ढाल देते हैं। तो आज हम शायरी पे बात करेंगे और आज हम शायरी सुनेंगे थोड़ी सी, और हम अलग अलग कैटेगरीज जो हैं उनके हवाले से, उन पे कौन सा शेर जो है वो फिट बैठता है वो आज हम सुनेंगे। हमारे साथ मज़ा निगार शायर मौजूद हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और मज़ेदार सी शायरी करते हैं। इनसे हम मुख्तलिफ अकसाम की शायरियाँ सुनेंगे, शायरियाँ शेर सुनेंगे, अशार सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हकीम नासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़। क्या हाल है? योमे तजदीद अहद वफा, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। अहद वफा, अहद वफा यानी कि अपनी प्लेच करना, अपनी। अच्छा, फूलों का भी इससे बहुत फूलों से भी ताल्लुक है ना। अच्छा, एक शेर सुना दें सीवना। इस पे देख लीजिएगा कि बहुत से अशखास खवातीन अपने आप को फूल समझती हैं। अच्छा। तो उस पे देखिएगा कि फूल तो झूलते हैं शाखों पर, फूल तो झूलते हैं शाखों पर, पेड़ को झूलते नहीं देखा। मैं तुझे फूल मान लूं कैसे, फूल को फूलते नहीं देखा। हमें सेकंड गेस्ट की जो इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगी वो तो खैर उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, हमारी रेगुलर है वो, बहुत मजा उनके साथ आता है। उनको बुलाने का यहाँ पे खास मकसद ये है कि ऑफकोर्स हमने कल भी अपने शो में कहा कि जब आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं, जरूरी नहीं है कि अपने ऑपोजिट जेंडर को करें। मैं तो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ भी मनाती हूँ। इट्स जस्ट अ डे, आप एक्सप्रेस करना है, चॉकलेट दें, जो भी करना करें, एक दिन मिलता है। वैसे तो हर रोज़ मोहब्बत एक्सप्रेस करनी चाहिए, लेकिन जब हम जेंडर्स की बात करते हैं तो एक प्रोसेस होता है और इख्तिताम होता है उस प्रोसेस का, शादी। और शादी से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। शादी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे सड़क पे मिलके हम लोग वो होता है ना, यूं ही राह में मिल जाता है कोई इंसान और मोहब्बत हो जाती है, या अम्मा अब्बा सेट करा देते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम के वक्त वो आती हैं सोल्यूशन ढूंढते हुए, और वो सोल्यूशन होता है मैरिज को पॉसिबल बनाना और मैच मेकिंग करना। हमारे पास वर्ल्ड रिनाउंड पाकिस्तानी मैच मेकर मौजूद हैं, मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीबॉडी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी ज्वेलरी आप कहाँ से लाती हैं? हाँ, इतना हाथों पे मैं बताऊँ, मुझे बचपन से ही ज्वेलरी का बड़ा शौक था। इट इज़ नॉट दैट कि मुझे अभी हुआ, ये बचपन का मेरा शौक है। ग्लिटर ग्लिटर पसंद था कि ग्लिटर आर्ट? नहीं, ग्लिटर ग्लिटर नहीं, रिंग्स हो, बच्चियों के ब्रेसलेट्स बड़े खूबसूरत हो, ब्रोचेस हो, ये मेरे बचपन का ये मेरे शौक। पसंद कौन करता है? आप खुद ही करती हैं? आप? मैं खुद करती हूँ, जाहिर है। उस गोइंग टू मिसेस खान, मैं ब्रेक पे हमें जाना है, मगर ब्रेक से आने के बाद हमने तो इंट्रोड्यूस कर दिया अपने गेस्ट, मुझे पता है आप लोग ठक 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 कॉल करेंगे। गेस्ट से जरूर बात करेगा, बट डू शेयर योर, जो भी कोई लव स्टोरी है आपके पास या आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ शेयर करें। हर एक के पास लव स्टोरी होती है। हाँ, एक लविंग, कल लवली चाय टाइम था, आज लविंग चाय टाइम है। मैं मिसेस खान से पूछूंगी, लाल कहाँ है? मेरे दोनों गेस्ट में लाल मुझे कहीं नहीं दिख रहा। हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, मैं और सनिया यहीं पर हैं बहुत सारे गुब्बारों और फूल के साथ, और मिसेस खान के साथ और क्लासी शायरी के साथ। यहाँ पर कहीं मत जाइएगा, कम राइट बैक, यू आर वॉचिंग चाय टाइम।